शहर के गश्त का ताजिया पर एक अनोखी स्टॉल है जहां पर दाल के साथ पूड़ियां परोसी जाती हैं और इसे खाने के लिए सुबह से ही लोग बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं। तो आइए जानते हैं कैसा है इसका स्वाद। नमस्कार दोस्तों, न्यूज 18 ग्वालियर पर आपका स्वागत है। आप मेरे पीछे एक ठेला देख रहे हैं, ये ठेला एक कोई मामूली ठेला नहीं है। यहाँ पर एक अनोखा स्वाद मिलता है। आपने अब तक दाल के साथ चावल खाए होंगे, रोटी खाई होगी, लेकिन यहाँ पर जो है दाल के साथ पूड़ी मिलती है। ये एक अनोखा ही स्वाद है। शायद मैंने तो पहली बार दाल के साथ पूड़ी खाई है। तो आइए जानते हैं कि इस स्वाद के लोग क्यों दीवाने। और आप भीड़ भी देख सकते हैं कितनी हद तक है। जब हम यहाँ आए थे उस समय इनके पास बात करने का समय नहीं था, इसलिए हमने शूटिंग थोड़ी देर से स्टार्ट की। और इनका कहना है कि 12 बजे के बाद तो इनके पास समय ही नहीं रहता है। तो आइए जानते हैं जो यहाँ पर संचालक हैं किस तरह से चलाते हैं। तो अब हम मुलाकात करेंगे राजकुमार शाक्य जी से, जो यहाँ के ओनर हैं और 10 रुपये में 4 पूड़ी के साथ दाल सब्जी सब कुछ फ्री देते हैं। तो आइए जानते हैं किस तरह से ये करते हैं। नमस्कार राजकुमार जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया सर। ये जो आप दाल पूड़ी सब्जी देते हैं, ये अनोखा टेस्ट के दिमाग में आइडिया कैसे आया? कितनी पुरानी अपनी दुकान है? 14-15 साल हो गए सर जी। दिमाग तो इसलिए आया कि बेरोजगार थे, एक तरह के फल का काम करते थे, उसमें कुछ रहता नहीं था, तो दिमाग में आया। तो हमने की सिंधी के हिसाब से जो दाल पूड़ी चलाते हैं ना, उस हिसाब से दिमाग में जब 30 रुपए किलो दाल दी, 30 रुपए किलो दाल दी, जब भी 10 रुपए की चार शुरू किया था मैंने। जब 30 रुपए किलो दाल दी तब भी 10 रुपए की चार थी और आज भी 10 रुपए की चार ही है। आज 70 रुपए किलो है, तब भी 10 रुपए की चार पूड़ी है। पहले 80 रुपए किलो तेल था, 160 हो गया। दाल के साथ जो पूड़ी है, जो प्याज बगैर प्याज लहसुन के, अपने विशेषता है बगैर प्याज लहसुन के लिए, मतलब खाना, मतलब ये दाल तड़का वगैरह सब आप बिना प्याज लहसुन के बनाते हैं? हाँ, बगैर प्याज लहसुन। क्या है अपने पास, दिखाएंगे? अपने को दाल है, एक राजकुमार जी लगाना, दाल है ये अपनी, चने की दाल है ये जी। 10 रुपये में भर के देते हैं दोनों में। ये आलू की सब्जी है अपनी जी, ये 10 रुपये में देते हैं, 10 की चार पूड़ी के साथ में, बगैर लहसुन प्याज की अपनी, बगैर लहसुन प्याज की। और ये मिर्ची है इसके साथ, आप देख सकते हैं ये मिर्ची भी है। और बोतल में जो आप देख रहे हैं ये कुछ साधारण पानी नहीं है, ये नींबू का पानी है। मतलब अगर आप और भी ज़्यादा खटास या मसाला अलग से लेना चाहते हैं तो उसके लिए नींबू और मसाला रखा हुआ है। इसके अलावा बिना प्याज लहसुन के यहाँ पे खाना बनता है, जिससे कि ये किसी भी प्रकार प्याज का अगर आप स्वाद लेना चाहते हैं तो वो अलग से सलाद के रूप में आपको दी जाती है। कितने आदमियों का स्टाफ है आपके यहाँ? अपने सर जी 6 जनों का स्टाफ। ये छोटे से मतलब स्टॉल पे 6 लोग का स्टाफ काम करता है? जब ही पूर्ति हो पाती है। क्या बात है, ये मतलब आप यहाँ पे आने वालों की संख्या इसी बात से समझ सकते हैं कि यहाँ पे 6 लोग का स्टाफ है जो पूर्ति करता है। और उसके बाद भी 12 बजे के बाद इनके पास समय नहीं रहता। मतलब कितने बजे के बाद समय नहीं रहता? 12 बजे के बाद तो बिल्कुल फुर्सत नहीं रहती, दिन का अप डाउन हो जाता है ना, उस टाइम काफी भीड़ रहती है। स्टार्ट कितने बजे से करते हैं? स्टार्ट 9 बजे से करते हैं। 9 बजे से शुरू करते हैं और शाम को 5 बजे तक। ये जो जगह है ये गश्त का ताजिया है जहाँ पर ये स्टॉल लगता है। अगर आप दाल और पूड़ी के अनोखे स्वाद का आनंद लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ। ग्वालियर में बहुत ही फेमस दुकान है और फेमस होने के साथ ही इतना सस्ता खाना, शायद मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सस्ता आपको पेट भर खाना कहीं मिल पाएगा। यहाँ पर दाल चावल की प्लेट भी 10 रुपये की मिलती है और 10 रुपये में 4 पूड़ियों के साथ सब्जी आलू की और दाल फ्री रहती है। इसके अलावा सलाद और यहाँ पे एक विशेष लड्डू जो मिलता है, 5 रुपये का एक लड्डू मिलता है, वो बहुत ही टेस्टी होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा और अनोखा स्वाद चाहते हैं तो आइए यहाँ पर और इस स्टॉल पर दाल पूड़ी का आनंद लीजिए।